बिल्कुल। तो इस जन्माष्टमी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जन्माष्टमी की शुरुआत आखिर हुई कैसे और कितने बजे थी। सुबह के 3 ही बजे थे कि मुझे अपने दिन की सबसे पहली सेवा मिली, जो कि थी इन सुंदर से श्री विग्रहों का श्रृंगार करना। जी हाँ, तो सुबह के 3 बजे थे और मुझे इनका श्रृंगार करना था। तो इनका सारा पहले पेंट मैंने उतारा और उसके बाद इनको सुंदर सुंदर सा रेडी कर दिया और ये था इनका फाइनल लुक। आधा श्रृंगार मैंने मंगला आरती के पहले करा और बाकी का मैंने मंगला आरती से आने के बाद कंप्लीट किया था। अब देखिए ना, पूरे वर्ष में जन्माष्टमी तो केवल एक ही दिन आती है, तो एटलीस्ट इस दिन तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं ना कि जितना से जितना हम अपने आप को सेवा में लगा सकें भगवान की, हमें उतना ट्राई करना चाहिए। आइए अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस्कॉन छिपीवाड़ा की मैसिव जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस में। हरी बोल। जो आप सुंदर श्री विग्रह देख रहे हैं, इनका नाम है श्री श्री राधा वल्लभ लालजू, और इन्हीं के सामने श्रीला प्रभुपाद पर्सनली ही वुड स्टैंड देयर इन फ्रंट ऑफ देम एंड ही वुड प्रे टू देम। उनसे प्रार्थना करते थे कि वे अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कर पाएं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, यानी कि कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में आते हैं। Oh,
देखिए ये होते हैं कृष्ण भक्त जो सीखते टाइम भी इतनी परफेक्शन के साथ सीखते हैं। हरी बोल। तो प्रभु जी आपका नाम क्या है? हाँ जी कृष्णा। प्रभु जी की जय। देखिए नाम भी कृष्णा है और बजाते भी बांसुरी। हाँ जी मैं आपको लोग देखता हूँ प्रभु जी। मैंने आपको पहली बार आप अमोघ लीला प्रभु जी से मिले थे ना जी, उसके बाद से मैंने आपको फॉलो करा जी। एक्चुअली अमोघ लीला प्रभु जी हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद जी हैं जी। ऑल ग्लोरी टू श्रीला प्रभुपाद की जय। अब माता जी की बारी। माता जी बचाइए, हमें सुनना है। चलिए हरे कृष्णा ही कर दीजिए। शुरू हो चुकी है, अभी प्रैक्टिस भी होगी। किटू प्रैक्टिस करनी है? नहीं, किटू कॉन्फिडेंट है। हरी बोल माता जी, इस प्रैक्टिस की नीड है? नहीं कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट ऋषा पूछ रहा थी माता जी प्रैक्टिस की नीड है। ओके हरी बोल। और अनन्या माता जी की तो बिल्कुल भी नीड नहीं है प्रैक्टिस की। हमारी कथक चैंपियन एकदम, ये बच्चा एकदम परफेक्ट है, इसको दिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कृष्ण कन्हैया अभी रेडी हो रही है। और यहाँ पर फ्लूट की जुगलबंदी होती हुई। क्या सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो आप? मेरे को भी सीखनी है बांसुरी। आपको बांसुरी सीखनी है? अरे वो अच्छी बात है, जरूर सीखनी चाहिए। मेरे को मृदंग और हारमोनियम आती है। हारमोनियम आता है आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा। यस ऑलवेज बी हम्बल, नेवर थिंक कि हमें सब कुछ आता है। नहीं बोला भी तो सही, मृदंग थोड़ा थोड़ा आता है। बांसुरी भी हम सीख सकते हैं ना। तो जन्माष्टमी के लिए हमने एक स्पेशल प्ले रेडी किया था जहाँ पर हमने एक ऐसी लेडी की स्टोरी बताई थी जो कि पहले तो कृष्ण को जानती भी नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया उसकी लाइफ में कि कृष्ण तो उसके प्राण धन बन गए। और एंड में जो कृष्ण ने किया ना वो कुछ ऐसा था कि जिसके बारे में वो लेडी कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो अब आते हैं जन्माष्टमी स्पेशल गौरा आरती में, यानी कि संध्या आरती में। अब आप मेरे फेस पर थोड़ी सी टाइर्डनेस देख पा रहे होंगे बिकॉज सेवाएं इतनी थी। इनफैक्ट अभी आरती के बाद सीधा ही हमारी दोनों परफॉर्मेंसेस थी, तो ऑडियो सेटअप से लेकर एवरीथिंग जितने भी अरेंजमेंट्स थे वो भी चल रहे थे साइड बाय साइड। तो यहाँ पर ऑडियो की कुछ फाइनल प्रेपरेशंस होते हुए और आप कृति को देख सकते हैं, वो कृष्ण बनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस के साथ। अनन्या माता जी ने बहुत ही सुंदर कथक परफॉर्मेंस करी थी जहाँ पर उन्होंने राधा कृष्ण की लीला दिखाई और सभी को श्री कृष्ण के सुंदर रूप का स्मरण भी कराया। वृंदावन में आज एक नई सुबह है
और हर नई सुबह एक नए अध्याय का आगाज करती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी के उपलक्ष में हमने एक बहुत ही सुंदर स्टोरी को प्रेजेंट करने की कोशिश करी थी, जो कि है फ्रूट सेलर एंड कृष्ण की, कि ऐसा एक फल बेचने वाली की लाइफ में क्या हुआ कि वे कृष्ण के प्रेम में दर दर गली गली भटकती रही और जब कृष्ण से मिले तो उसको कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वाली की गोद में बैठे हैं नंदलाल सी प्रस्तुति को देखने के लिए आप इस वीडियो को बीइंग कृष्णा कॉन्शियस चैनल पर देख सकते हैं। Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Hare
Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna.